तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस वक्त हमारा मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हर आदमी परेशानियों और मायूसियों में मुब्तला है। किसी को दो वक्त की रोटी मुयसर नहीं तो कोई अपनी बीमारी का इलाज करवाने से भी कासिर है, चाहे छोटा दुकानदार हो या कोई बड़ा सनतकार। बिजली और पेट्रोल के बढ़ते हुए निरखों के बाइस अपना कारोबार जारी रखने से आजिज हो चुका है। लेकिन इन दिनों में भी एक ऐसा कारोबार मौजूद है जो पिछले हजारों साल से चला आ रहा है, जबकि आज भी इन लोगों की चांदी ही चांदी है। बल्कि मौशरे में जिस कदर मुसीबतें और इंतिशार बढ़ेगा, ये कारोबार उतना ही ज्यादा उरूज हासिल करेगा। दोस्तों, ये कारोबार है जाली पीरी फकीरी का, जिसके लिए ना तो पीर साहब को किसी डिग्री की जरूरत है और ना ही सरमाए की। बस आपने कोई ऐसी अनोखी बात करनी है जो लोगों की अकल से परे हो। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में 10 ऐसी जाली और मजाहिया पीरों का अहवाल बयान करेंगी कि ये कॉमेडी में चार्ली चैपलन को भी मात दे सकते हैं। लेकिन इनके मानने वालों की जहालत का ये आलम है कि वो इन्हें सजदे तक करने से गुरेज नहीं करते। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मालूमाती और मजाहिया वीडियो की। फूको वाली सरकार। दोस्तों, अगर आप अपनी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं या प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं, क्योंकि कैंसर से लेकर ट्यूमर तक का इलाज मौजूद है रावलपिंडी के हक खतीब हुसैन की एक शुफ में। मेरी फूंक दुनिया के आखिरी कोने तक असर करती है। दोस्तों, इनकी एक शुफ पैदाइशी अंधों को आंखें दे सकती है, बल्कि इनके सामने बिना टांगों वाला इंसान चलने और दौड़ने भी लगता है। बीमारियां इनके पास आए मरीजों के जिस्म से कीलों या तारों की शक्ल में बाहर आने लगती हैं। दोस्तों, भले ही आपको मेरी बातें मजाक लग रही हों, लेकिन इनके आस्ताने पर आने वाले हजारों अफराद के लिए ये कोई मजाक नहीं। हक खतीब की सिर्फ एक फूंक के लिए लोग हजारों रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हक खतीब के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने पास आए हर मरीज को अलहदा अलहदा फूंक मारें, लिहाजा ये तमाम लोगों को एक मजमे में खड़ा करके इन्हें इज्तिमाई फूंकों का निशाना बनाते हैं। दोस्तों, बाबा जी का कहना है कि ये पिछले 18 सालों से सोए नहीं हैं, इसलिए इनके दम में इस कदर तासीर है कि बड़े से बड़ा जिन इनकी एक फूंक की ताब नहीं ला पाता। लेकिन 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप हॉस्पिटल में लेटे क्या कर रहे हैं, जाइए फिर रावलपिंडी की टिकट कटवाइए और बड़े बड़े अमराज से छुटकारा हासिल कीजिए। डीएनए वाले बाबा। दोस्तों, पुराने जमाने में एक टेस्ट हुआ करता था जिसे डीएनए टेस्ट कहते थे। डीएनए टेस्ट के जरिए एक इंसान ये मालूम कर लिया करता था कि इसके बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप के खाने में जिस आदमी का नाम दर्ज है वो हकीकत में इसका बाप है भी या नहीं, यानी आम लफ्जों में कहा जाए कि वो हलाल का है या हराम का। ये बात डीएनए टेस्ट के जरिए वाजे हो जाती थी। फिर नया जमाना आया और अपने साथ कैंड्रू बाबा को लाया। दोस्तों, अब किसी को अपना डीएनए टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये है सिंध में मौजूद कैंड्रू बाबा की कब्र, जिसमें एक सुराख मौजूद है। जो शख्स इस सुराख से निकल गया समझो वो हलाल का है, लेकिन अगर अटक गया तो समझो। कैंड्रो बाबा से मुतालिक ये कहा जाता है कि ये कब्र और इसमें मौजूद सुराख खुद कैंड्रो बाबा ने ही बनाए हैं। कैंड्रो बाबा के मुरीदैन के मुताबिक इस सुराख से गुजरने वाले शख्स की हर बीमारी दूर हो जाती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बशर्ते ये कि वो हलाल का हो, जिसका फैसला कैंड्रो बाबा की कब्र में मौजूद ये सुराख ही करता है। पैम्पर वाले बाबा। हजारों अफराद को शिफा देने वाला पुरेसरार बच्चा, करिश्माती बच्चा, गरीबों का मसीहा और न जाने कौन कौन सी वीडियोस सोशल मीडिया पर इस बच्चे के मुतालिक भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान के इलाके मियां चुन्नू से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, बेऔलादी, यहां तक कि कैंसर का इलाज करता है, वो भी सिर्फ अपने थप्पड़ों से। फरहान नाम का ये बच्चा 200 रुपए फी थप्पड़ के हिसाब से दिन में सैकड़ों लोगों को थप्पड़ लगाता है। दूर दराज इलाकों से लोग इसका थप्पड़ खाने यहाँ आते हैं और लाइनें लगाकर इसके थप्पड़ खाते हैं।
दोस्तों ये बच्चा जो हर वक्त मोबाइल में गेम खेलता रहता है वो इस काबिल भी नहीं कि खुद अपना डायपर तब्दील कर सकी, ना ही इसे ये इल्म होता है कि वो सामने वाले को चपत क्यों लगा रहा है। लेकिन अंधी अकीदत वो बला है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को भी इसके सामने झुकने और इसके थप्पड़ खाने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों इस सारे सिया खेल में मरकजी किरदार दर हकीकत इस बच्चे के वालदैन हैं, जिनका कहना था कि जब फरहान छोटा था तो तभी से उन्हें ये ख्वाब आने लगी कि फरहान कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इसके रोम रोम में लोगों के लिए शिफा है। लोगों पर इसका दम करवाओ, उन्हें शिफा मिलेगी। दोस्तों लोगों का तो पता नहीं, अलबत्ता फरहान और इसके माँ बाप की पांचों उंगलियां घी में तर हैं। लाड़ी शरीफ। दोस्तों जिस तरह रोजो शब डॉलर की कीमत बढ़ रही है, मुसलमानों के लिए हजो उमरा की अदायगी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। ताहम जाली पीर फकीरों ने अवाम के इस देरीना मसले का हल भी निकाल लिया है कि अगर आप गरीब होने के साथ साथ जाहिल भी हैं तो आपको हजो उमरे के लिए मक्का मुकर्रमा जाने की कोई जरूरत ही नहीं। ये काम तो सिंध के शहर लाड़ में मौजूद एक मजार लाड़ी शरीफ में बिल्कुल मुफ्त में किया जा सकता है। दोस्तों 2020 में कोविड के दौरान जो उम्र पर लगी पाबंदियों के बाइस लाड़ी शरीफ के गद्दी नशीन और दीगर खलीफों ने ये ऐलान किया कि क्या हुआ अगर आप हज पर नहीं जा सकते तो 9 और 10 जिलहज के दिन लाड़ी शरीफ के मजार का तवाफ कीजिए। यहाँ तवाफ करने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा कि जितना हज बैतुल्ला के बाद मिलता है। नाऊज़ बिल्ला। दोस्तों ये फरमान जारी होने की देर थी कि जाहिल अवाम का एक जम्मे गफीर यहाँ उमड़ आया। दोस्तों अब हालात ये हैं कि हर साल 9 और 10 जिलहज यहाँ तवाफ की गर्ज से आए लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा हो जाती है कि अमनो अमान को बहाल रखने के लिए यहाँ कर्फ्यू तक लगाना पड़ जाता है। लोग लाइनें लगा लगा कर इस मज़ार का तवाफ करते हैं जो दर हकीकत शिर्क के सिवा कुछ नहीं। ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती। दोस्तों अब तक आपने जितने भी पीर देखे वो सबके सब बीमारियों से छुटकारा दिलाने के दावे करते थे, लेकिन अब आप जिस पीर से मिलने जा रहे हैं वो सीधा आपको मौत से बचाने का दावा करता है। जी हाँ दोस्तों ये बाबा कहता था कि अगर इसके बताए हुए वज़ाइफ पर अमल किया जाए तो 150 साल तक मौत आपको छू भी नहीं सकती। दोस्तों मैंने इस बाबा के लिए था का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि लोगों को 150 साल की जिंदगी का चूरन बेचने वाला ये बाबा खुद सिर्फ 30 साल की उम्र में जहन्नुम रसीद हो गया। मौत को थाने वाला का वजीफा, आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहो। खुद को दौरे हाजिर का गौसे आजम कहने वाला ये बाबा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती अफगानिस्तान से इंडिया आया और महज 4 साल में लोगों को अपने नाम के विर्द बताकर इनसे अपने आगे सजदे करवाकर और तरह तरह के लालच देकर इसने इतनी दौलत जमा कर ली कि बाद अज़ां इस दौलत के लालच में इसके अपने ही मुरीदैन ने एक वीरान मकाम पर इसका कत्ल कर दिया। यूं आलिमुल गैब होने, लोगों को जहन्नुम से निजात दिलाने और मौत पर काबू रखने के इस झूठे दावेदार को रब्बे ज़ुलजलाल ने सरेआम जलीलो रुस्वा कर दिया। टॉफी वाली सरकार। दोस्तों अपने बचपन में टॉफियां तो मैंने, आपने और हम सब ने जी भर के खाई होंगी, लेकिन हम ठहरे बेवकूफ। हम अपनी आधी उम्र गुजरने के बाद भी टॉफियों की रूहानी और सूफियाना अजमतों से वाकिफ नहीं हो सके। टॉफियों की असल मकाम को पहचाना है इन बाबा जी ने, जो अपने आस्थाने पर टॉफियों से नहाते हैं। बाबा जी के मुरीद अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस आस्थाने पर मनों के हिसाब से टॉफियां चढ़ाते हैं। कोई इनके लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स के डब्बे लाता है तो कोई गरीब मुरीद मकामी टॉफियों पर ही इक्तफा कर लेता है। जी हाँ चूरन चटनी या अमरूद कैंडी वगैरह। बाबा जी इन टॉफियों का क्या करते हैं तो ये बात अभी तक एक राज ही है। मुझे ये लगता है कि बाबा जी का बचपन बहुत ही गुर्बत और तंगदस्ती में गुजरा होगा। बाबा जी के पास टॉफी खरीदने के पैसे नहीं होंगे, यही वजह है कि ये अपने बचपन की तमन्नाएं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पूरी कर रहे हैं। बाबाओं की बात चल रही है तो चले आज एक पेशनगोई मैं भी कर देता हूँ कि अगर ये बाबा जी अपने ऊपर वारी जाने वाली ये टॉफियां खाते भी हैं तो बहुत ही जल्द इनके दिन पूरे होने वाले हैं, वजह मौत होगी डायबिटीज। सर्जरी वाली सरकार।
दोस्तों, अगर आप मोटरसाइकिल पर विल्लियां मारना चाहते हैं या ऊंची ऊंची दीवारों से कूदना चाहते हैं, लेकिन इस डर से खामोश बैठे हैं कि कहीं आपकी कोई हड्डी ही ना टूट जाए, तो दोस्तों अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको हड्डी टूट जाने की सूरत में किसी महंगे अस्पताल में महीनों इलाज करवाने की हाजत ही नहीं। जाइए इन बाबा के पास जो आपकी टूटी हड्डियों और दुखती जोड़ों को बिला ताखीर ठीक कर सकते हैं। पीर साहब को ये अमल करने के लिए अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपना पांव तेल में डबोकर आपकी हड्डी पर लगाएंगे और आपकी जिंदगी संवार देंगे। दोस्तों, सर्जरी वाली सरकार के नाम से मारूफ ये पीर साहब दिन में सैकड़ों अफराद का इलाज यही तरीकाकार अपनाकर करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए। जैसे ही किसी खिलाड़ी को इंजरी हो, ये बाबा अपने तेल भरे पैरों का इस्तेमाल करके इसे फौरन ठीक कर देंगे। मेरे इस मशवरे से अगर आप मुत्तफिक हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरी ताई जरूर कीजिएगा। बुरके वाली सरकार। दोस्तों, अगर ऋषि कपूर को अपनी जिंदगी में ये पता चल जाता कि इस पर्दे के पीछे कैसे कैसे जर्दे पकाए जाएंगी, तो शायद वो कभी ये गाना ही न गाता। दोस्तों, ये हैं बुरके वाली सरकार, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने मुरीदों और पैरोकारों को फैजियाब करती हैं। माजरत करती नहीं बल्कि करते हैं, क्योंकि इस बुरके के पीछे कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द छुपा बैठा है, जिसे लोग अपने इलाके का वली, पीर और साहिबे करामत बुजुर्ग कहकर इसकी झोली में चंदा डाल रहे हैं। दोस्तों, बुरके के पीछे छुपे इस आदमी के औसाफ व फजाइल आप खुद इन मौलाना की जबानी सुन लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों से मुशाबिहत इख्तियार करते हैं, जबकि इन लोगों ने इसी लानत ज़दा इंसान को अपने दरमियान एक वली और अल्लाह वाला मशहूर कर दिया है। तो दोस्तों, आप ही मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों ना हों कि जैसे आजकल हैं। बाबा नंगे शाह। दोस्तों, जब हम किसी छोटे बच्चे को नंगा देखते हैं तो इसे डांटते हैं या प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं, अपने कपड़े पहन लो, लेकिन अगर कोई बड़ा ही नंगा हो जाए तो फिर हमारी कौम इसे अपना पीरो मुर्शिद मानकर अपने सरों पर बिठा लेती है। दोस्तों, मिलिए बाबा नंगे शाह से, जो मादरजात बरहना हालत में एक कव्वाली पर रक्स कर रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि यहाँ सिर्फ मर्द ही मौजूद नहीं बल्कि यहाँ औरतें भी इनकी ताल में ताल मिलाकर इनके साथ नाच रही हैं। दोस्तों, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ये बाबा नंगे शाह बिल्कुल इसी तरह बरहना हालत में अपना आस्ताना लगाते हैं, जहां मर्दों के साथ साथ औरतें भी अपने अपने मसाइल लेकर इनके पास हाजिर होती हैं। ये अपनी नौयत की कोई वाहिद बाबा नहीं बल्कि हमारी कौम को लिबास से आज़ाद हर आदमी ही बाबा या वली नजर आता है। मैं लातादाद मजाहिब पर वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैंने किसी भी मजहब के पैरोकारों को ऐसा करते नहीं देखा। सोचिए कि जब गैर मजाहिब के लोग इन वीडियोस को देखते होंगे तो इन पर हमारी कौम और हमारे मजहब का क्या तासुर जाता होगा। बेशक अल्लाह ही इनको हिदायत देने वाला है। बाबा बैटमैन। दोस्तों, ये मनाजिर देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई जेल या अकूबत खाना है, जहां मुजरिमों को उल्टा लटकाकर इनकी छितर परेड की जा रही है, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये है बाबा बैटमैन की दरगाह, जहां हर मुरीद को अपनी मन्नत व मुराद पूरी हो जाने के बाद एक खास वक्त तक के लिए उल्टा लटकना पड़ता है। ये जो उल्टे लटके हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम बाबा बैटमैन के मुरीद हैं, जो अपनी कोई मुराद पूरी हो जाने के तावान में उल्टा लटके हुए हैं। दोस्तों, जहालत भी क्या अजब शय है, अच्छे भले आदमी को उल्टा लटकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जहालत के खिलाफ हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि हमारे मुल्क के हालात सिर्फ मौशी तौर पर ही ख़राब नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुआशरा ही तोहम परस्ती, बेहिसी और हिमाकत की लपेट में है।